श्वेता, नारी सशक्तिकरण पर आवाज थोड़ी जोरदार तरीके से। बिल्कुल, नारियों की आवाज तो वैसे ही जोरदार होती है। मुझे लगता है घर पर भी ज्यादातर पुरुषों का अनुभव यही है कि नारियों की आवाज कितनी तेज होती है, और मंच पर नारियां हो तो फिर क्या, वो भी इतनी खूबसूरत और इतनी, मुझे लगता है बहुत ही, जब यंग वुमेन बाहर निकलकर आती है तो एक अलग ही जज्बा और जोश नजर आता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और वाकई आप दोनों, क्योंकि जब हम युवा नारियों को देखते हैं इस तरह से राजनीति में आवाज उठाते हुए, मुद्दों को उठाते हुए, भले ही आप एक दूसरे के ऊपर अभी थोड़ी देर में बहस को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन ये वाकई देखना बहुत खूबसूरत है कि अपनी अपनी पार्टियों के मुद्दों को आप जिस तरीके से मंचों पर रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि परिचय राकेश दे चुके हैं, तो रागिनी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप विधानसभा के अंदर भी मैं देखती हूँ कि तेज तरार आवाज में आप अपनी बात को रागिनी जी रखती हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप ये कहती हैं कि सरकार, योगी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर नहीं रही है ना, लेकिन आपकी खुद की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही गई। अब जब आप 80 सीटों की बातें करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप वो विश्वास जगा पाएंगी जनता में कि वो फिर से आपको चुने? आपसे सवाल रागिनी जी, रागिनी डॉक्टर मीनाक्षी, हाँ मैं आपसे पूछा रागिनी जी। जी, मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ, आपने हाँ, जो सवाल आपसे पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर पे आपकी सरकार गई थी, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी सरकार गई थी, अब जब आप बात, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम 80 सीटों पर फिर देखिए महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। यूएसए का आंकड़ा ये बताता है कि हम 50% आबादी में हिस्सा रखते हैं, और अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 2/3 वर्किंग आवर्स है जो एक विमेन जो है पूरे वर्किंग आवर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन अगर हम उसमें सैलरी की बात करें तो 10% भी नहीं है जो अमाउंट एक महिला कमा रही है इस पूरे विश्व में। और अगर हम बात करें जमीन की, जो रजिस्ट्रीज होती हैं हमारे नाम पे, जिसपे मैंने सदन में भी कहा था कि दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सलाने में, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में, तो उसको ये जस्टिफाई करता है कि ओनली एंड ओनली 1% पूरे विश्व में एक महिला है जिसके पास अपना खुद का घर है, अपना खुद का लैंड है, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन है। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात किसी पार्टी की नहीं, किसी स्टेट की नहीं, किसी कंट्री की नहीं है, पूरे विश्व की बात है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करती हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, खुद के आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि आए दिन किस तरीके की वारदातें हो रही हैं महिलाओं के लिए। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें, इसमें भी केसेस राइज किए हैं। साथ ही साथ पढ़े लिखे वर्ग में आज एक माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं अपने बच्चों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने में, और बीएचयू जैसी संस्थान में जहां एक बच्ची एक आईआईटी की स्टूडेंट है और पढ़ाई करने जा रही है, और रोड पे उस कैंपस के भीतर जिस तरीके से उसके साथ जो हिंसा होती है वो अपने आप में सभी को शर्मिंदा महसूस करा रही है। शायद 2017 से पहले की बात हमारे माननीय विधायक जी कर रही हैं। चमिराक्षी जी ने सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, डिबेट मतलब इतनी मुझे लगता है आदत हो गई है सबको करने की, कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आंकड़े उन्होंने रखे, बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े भी ये कहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है वो बढ़े हैं, तो ऐसे में आप एक बात बताइए, कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं, अब मैंने अभी कहा कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की हम बेसिकली बात करते हैं, पहले उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाइएगा आप और उसके बाद के उठाइएगा। सबसे बड़ा रेशो 2017 के बाद से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, अगर उनमें न्याय मिला है तो उत्तर प्रदेश का है। आप ही के कांग्रेस विधायक है अनिल शर्मा जी, जिन्होंने कहा भी है, पीठ थपथपाई है कि नहीं, सबसे ज्यादा अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा में तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी सरकार में हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक दो बात बताना चाहूंगी जो कि जरूरी है सब लोगों को पता होनी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज्यादा जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योगी जी की सरकार में चलाई गई हैं। मिशन शक्ति एक योजना आपके बीच में है जिसमें 250 महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण प्लस उनका ड्राइविंग लाइसेंस फ्री सरकार बनवा रही है, और हर एक जिले में 250 महिलाएं आगे आपको आने वाले समय में पिंक कलर की ई रिक्शा चलाती नजर आएंगी। रही बात पुलिस की, तो पुलिस में भी आप देखिएगा कि 2017 से पहले सिर्फ 10,000 कर्मी थी सिर्फ जो अपने काम करती थी, आज 40,000 हैं।
तो इसका मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और योगी जी की सरकार ने जितना महिलाओं के लिए कहा किया है काम उतना शायद अभी तक। राजनीति जी आप बहुत अच्छी तरीके से विधानसभा में देखती हूँ, जब आप बोलती है तो बड़ी तीखे लफ्जों में आप अपनी बात को रखती है और बहुत अच्छा लगता है देखना। इसी को तो महिला सशक्तिकरण कहते हैं कि एक महिला सवाल पूछ रही है, दो महिलाएं बैठी है और अपनी बातों को सामने रख रही है इतने पुरुषों के आगे, इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। लेकिन रागिनी जी ये बताइए, जब योगी सरकार आई तो एंटी रोमियो स्कोर उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया क्योंकि मकसद इसका ये था कि महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करें सड़क पर जब वो निकलें। ये कोशिश थी उनकी कि महिलाओं को डर ना लगे, महिलाएं फ्री होकर के घूमे। अब उसका कितना असर पड़ा है वो आंकड़ों के जरिए, हालांकि मीनाक्षी जी बता रही हैं कि बहुत बेहतर स्थिति हुई है पहले के मुकाबले, लंबा रास्ता तय करना है तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप बताइए कि आप कैसे विश्वास दिलाएंगे अगर क्योंकि देखिए राजनीति आपको भी करनी है कि आप आएंगे अगर आप दावा करते हैं तो महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। देखिए हमारी सरकार में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, जब भी डिस्कशन होता है महिलाओं को लेकर के होता है तो हमें एक वोट बैंक की तरह सिर्फ देखा जाता है और वास्तविकता जो है, और जब हम ग्राउंड लेवल्स की बात करते हैं तो महिलाएं हमारी कहीं ना कहीं जहां थी वहां से और पीछे पहुंच गए हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एक आम सर्वे करा लेते हैं, एक आम सर्वे करा लेते हैं कि महिलाएं पीछे गई हैं 2017 के बाद से कि आगे आई हैं, उसमें सब कुछ निकल के आ जाएगा क्योंकि 2017 के बाद से महिलाओं जितनी स्वावलंबी हुई हैं उससे पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आप गांवों में जाइए तो सही, मुद्रा लोन लेकर के इतनी महिलाएं सामूहिक तौर से काम कर रही है इकट्ठे बैठ के, किसी माँ से पूछकर तो देखिए आप वेस्टर्न यूपी क्या वो जा रही है। माँ से पूछिए कि कॉलेज जाती हुई लड़की जब वापस आती है तो क्या आप इंतजार करते हुए डर रहता है, तो आप पूछिए। मीनाक्षी जी आप वेस्टर्न यूपी में बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत काम करती है, जैसे कि आपने मिशन शक्ति का भी जिक्र किया। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, ऑफ कोर्स वंस आई विल फिनिश देन शी कैन स्पीक। तो मैं यही बात कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और साथ में महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, जितनी भी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज कल विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्ट्री का एक वो था हमारे बीच में एक मीटिंग हो रही थी एंड देयर आई आस्क यू व्हाट आर द पॉलिसीज विच आर बीइंग गवर्न्ड बाय द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट। लाइव मॉनिटरिंग होती है, सुबह 10 बजे ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि पहले इतिहास में कभी सुना नहीं होगा और 4 बजे खत्म होती है। महिलाओं की गांव-गांव जाकर के सरकार ट्रेनिंग करा रही है और निर्देशालय से आप प्रशासन से उसकी मॉनिटरिंग लाइव होती है, लाइव कैमरा चलते हैं उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो ये कहना कि सारा फंड प्रचार में जा रहा है तो वर्थ नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका हम सब बहुत इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे होंगे, इतना बड़ा कदम सरकार ने लिया है महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े क्योंकि महिलाएं ज्यादा संख्या में राजनीति में होंगी तो जाहिर तौर पर उसका असर समाज पर भी पड़ेगा, इसको भी आप नहीं मानती कारगर? देखिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पहले नेशनल पार्टी जो इतने सालों से आई है गई है, सत्ता भी देखा है विपक्ष भी देखा है और उन्हें यह भी पता है कि कोई भी बिल आता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उस बिल में क्या सेंसस चाहिए होता है, क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आपकी ये मंशा थी कि आप महिलाओं को आगे लाना चाहते थे, अगर आपको ये था कि हाँ ये चीज आप प्रोसेस करना चाहते थे तो उसके प्री रिक्विजिट्स फॉलो होने चाहिए थे, अगर आप ये कहना चाहते थे कि हाँ आप वाकई में नारी वंदन करना चाहते हैं तो आपको नारियों का और आपको जो सेंसस है उसको लाना चाहिए था, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका सेंसस नहीं हुआ एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बट इट इज नॉट मैंने वही फिर से कहा कि ये हाथी रात हो गया, सिर्फ प्रचार की बात हो गई, अगर इम्प्लीमेंट करना था 2024 में सरकारों ने इतने साल में नहीं किया, अगर कोई साल आकर आरक्षण देने की कोई सरकार बात तो करती है महिलाओं के बारे में, अगर राजनीति के फील्ड में भी देखिए तो सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी पार्टी में हैं
तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी में, आप ये गिने चुने नाम अगर ये बता दें तो मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज ये जिले पे अपने नाम नहीं बता सकती जो महिला इनके पास है। और भारतीय जनता पार्टी के पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, हर फील्ड की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है और महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो अगर आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं को जस्ट एन ऑर्नामेंट की तरह और सिर्फ वोट बैंक की तरह ना यूज करते हुए, आज एक महिला को अगर सशक्त करना है तो उसका सबसे बड़ा आज एक महिला को पार्टी में, आज अगर एक महिला को, आज एक महिला को अगर स्टेट में, आज एक महिला को अगर देश में, राजनीति ने बहुत बड़ी बात कही कि जितने पद महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी में है सरकार ने कहा है, अगर महिला को आपको सशक्त करना है, वाकई में सशक्त करना है, तो पहले तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज है उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सरकार की जो सेंट्रल की और अभी तक की डबल इंजन की सरकार है ना, तो क्वालिटी है। डॉक्टर मीनाक्षी, जुड़ी हुई है, उनका कहना है महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको उनके हेल्थ पर, आप उनके एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ बेटी कमाओ पड़ेगा। आज भी आप बता दें कि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति जो बना दी 2000 सरकार से पहले थी, सरकार को आए और महिलाओं के लिए जो महिलाएं थी जो है आज आप देख लीजिए अभी तक कितनी एम्स के आधारशिला पुराने थे वही है। नहीं राजनीति, अभी नए बहुत सारे एम्स के आधारशिला आप नहीं कह सकती जो पुराना था वही है। ठीक है, आप बताएं। जी बताएं रागनी जी, रागनी जी इनको बोलने दे, मीनाक्षी जी के लिए सवाल है ये। कोई योजना, कोई भी नंबर बंद नहीं किया गया, उसका विकल्प दिया गया है। 1090 भी शुरू किया गया है, अगर 1090 के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कर लीजिए। 1090 शुरू किया गया है, मेरी बात सुनिए, 1090 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने 112 में चेंज कर दिया, जब महिलाएं मंच पर मौजूद हैं तो किसी पुरुष का वहां से सवाल पूछना, पहले ही महिला सशक्तिकरण पर सवाल है, इनको जवाब देने दीजिए। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर, मुझे लगता है कि महिला डॉक्टर रागिनी सवाल पूछने में सक्षम है, आप क्यों उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? डॉक्टर रागिनी लगता है इनके महिलाएं सवाल पूछने में भी सक्षम नहीं है, सामने बैठे हुए इनके जो सहयोगी आए उनको सवाल पूछना पड़ा। डॉक्टर रागिनी आप ईमानदारी से बताएं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, सवाल पूछने दे। 100 नंबर जो है समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी उसको आपने 112 में तो बदल दिया, उसमें एक महिला अपनी दुख और पीड़ा एक महिला को बता सकती है, इस वजह से हमारी सरकार ने वहां पे संवाद के लिए महिलाओं को रखा। आज वो महिलाएं लाठी खा रही हैं, आज वो महिलाएं मार खा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सरकार नहीं सुन रही है, यहां तक कि उनके ऑफिस की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। 1090 से लाभ मिलता है महिलाओं को और 1090 पे शिकायत करने पे तत्काल, आज वो महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि जॉब पे उनको जिस तरीके से रखा गया, विज्ञापन की बात करती है, मुझे एक बात बताइए, विज्ञापन को जिसको आप प्रमोशन कह रही हैं उसको आप जागरूकता समझिए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं कहेंगे, क्योंकि चाहे वो 69,000 भर्ती की बात हो जिसमें महिलाओं ने धरना दिया, चाहे आपका 112 की महिलाएं हो संवाद की जो आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं, और उनकी सरकार ने कोई हेल्पलाइन नंबर निकाला था महिलाओं के लिए, चलिए सवाल का जवाब सुनी गई उनकी बात, एनआरएलएम की जो महिलाएं हैं उनकी बात सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर निकाला क्या आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर निकाला था? 1090 और साथ में 100 डायल, ये दोनों जो हैं वो हमारी सरकार के द्वारा दिया गया, आपके द्वारा उसका नंबर बदल दिया गया और उसमें महिलाओं को हमने नौकरियां दी और आपने उन्हें क्या किया? मैंने तो आपसे कहा ना कि आप महिलाओं की अगर पार्टी आपकी बात करती है तो आप जितने पद भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिए हैं उतने पद आप अपनी पार्टी में स्टार्ट तो कीजिए देने, आपके यहाँ तो महिला विंग ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैंने फिर से वही कहा आपको और फिर से दोहराना चाहूंगी कि आप सिर्फ पहला पिछला क्या हुआ और अभी क्या हुआ, टाइम का दूसरा मतलब ही प्रोग्रेस होता है। आज अगर आपको लोगों ने भरोसा करके चुना है और आप इस समय हैं महिला के तौर पर बताइए, सशक्तिकरण के लिए महिला के तौर पर बताइए, की 2024 आपको बताएगा कि आधी आबादी कहां जाने वाली है, 2024 आपको बहुत अच्छे से नतीजे दिखाएगा। डॉक्टर रागिनी एक महिला के तौर पर बताइए फटाफट से, वक्त भी कम है, किसी राजनीति के तौर पर नहीं, क्या आपको महिलाओं की स्थिति में वाकई बदलाव बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल सच बताइएगा, क्या बताइए?
क्या आपको महिलाओं की स्थिति में बिल्कुल बदलाव नजर नहीं आ रहा अपने आसपास? दिल पे हाथ रख के बताइएगा एक बार जरा, जिले अस्पतालों पे जो महिलाएं अपने ट्रीटमेंट के लिए परेशान हो रही हैं उनको जाके देख लीजिए। पहले ग्रामीण स्तर पे ये स्थिति पहले से बुरी हो रही है, जवाब दीजिए। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगी, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि अगर आप स्थिति को पहले से और बार बार आप वही खरगोश बनना चाहेंगे कि जो पीछे देख रहा है कि हमारा जो कछुआ है अगर वो आराम से पीछे सोया हुआ है तो हम आराम कर ले, क्योंकि खरगोश वैसे ही नहीं बढ़ पाएगा। आपको मेरा ये सवाल है, देखिए जब भी ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो पिछला इतिहास बताने लगते हैं कि पिछली पार्टी ने ये किया। हम तो पिछला, मैंने तो सिर्फ ये कहा है, उन्होंने कहा है नहीं महिलाओं को हम लोग भी उन्होंने सशक्त कहां किया महिलाओं को, कोई प्लेटफॉर्म तो दिखाएंगे वो। और हम जो सशक्त कर रहे हैं वो सबके सामने हैं। जिसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कहा वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, बिल्कुल सही कहा, प्रमोशन है। अगर हम लोग नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, आम जनता तक बात कैसे पहुंचेगी? जितना काम 2 लाख महिलाओं के हाथ पीले कर चुके हैं माननीय हमारे योगी जी, 2 लाख, और जो 31,000 कभी एक धनराशि उनको दी जाया करती थी आज वो बढ़ाकर 51,000 की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना सरकार सभी के सामने नहीं है, नहीं हो रहा है। जितना काम इस समय हो रहा है, एक महिला होने के नाते आपने सही कहा, आप महिला होने के नाते बताइए क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं है? बहुत सुधार वो है। तो कह रही है आप नहीं है, आम महिला से वो तो कह रही आप है, आप महिला से पूछिए ना, इसके सारे जवाब 2024 वैसे देने वाला है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आधी आबादी एक तरफा वोट करेगी। आपको पता है योगी जी ने अपने यहाँ हर जिले में हर मंडल पे बस भेजी है महिलाओं को राम मंदिर के भेजने के लिए, दर्शन कराने के लिए, और वो महिलाएं इतनी खुश हैं, इतनी पढ़ा। और क्या चाहती हैं आप बताइए? मैं यही कहना चाहूंगी वो भी फ्री, ये मैं बता दूं, मैं वही कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अगर वोट बैंक की तरह महिलाओं को देखा जाएगा तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उनको घुमाए तो भी आरी शर्मा तो भी वोट बैंक को जाती है, उनको घुमाए तो आरी शर्मा वोट बैंक की तरफ थोड़ी देख रहा है, वो सशक्त महिलाओं की राजनीति में आज भी आप देख लें, आज भी आप पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था उनको घर से बाहर तक निकलने के लिए, आज वो कहां तक जाती है। अगर उनके आंकड़े देख लें, अगर फीमेल फीटिसाइड की बात करें, भ्रूण हत्या की बात करें, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज भी अपना प्रदेश उसमें सबसे आगे है। और इसका कहीं ना कहीं कारण, अभी सदन में भी मैंने इस बात को कहा कि अगर आपकी सरकार ये कहती है कि हम महिला के बहुत हितैषी हैं, हमने 33% का आरक्षण मांगा कि महिलाओं को आप सरकारी और जो भी आपके नहीं मांगा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिशत आरक्षण नौकरी में महिलाओं को नहीं दे सकते, ये बीते सदन की बात है। डॉक्टर मीनाक्षी पहले की बात है, हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, तो महिलाओं की बात आई ऐसा नहीं हो गया। जब वोट बैंक तो महिलाओं को आप आगे कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से नहीं बात होगी। अगर आप सच में वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी की 33% आरक्षण आज अगर महिलाओं को दे दें, आप सरकारी नौकरी में प्राइवेट नौकरी में अगर आप दे दें, तो आप देखिए ये जो भ्रूण हत्या हो रही है फीमेल फेटिसाइड में, हमारा जो स्टेट इन बच्चियों की जन्म पर 50,000 रुपए सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रही है, लाई गई है योजना आई है, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। माताओं को इतना प्यार करती है कि जिनको सेल्फ डिफेंस के बारे में पता नहीं था, आज गांव-गांव कैंप लग रहे हैं, कुपोषण को लेकर काम हो रहा है, बिल्कुल कुपोषण पे भी काम हो रहा है। आपके सरकारी स्कूलों की पहले की स्थिति आप देखिए, फिर कहेंगी पहले की बताई, आज आप देखिए ना कितने सुंदर सरकारी 60 साल से कोई नहीं हुई है डॉक्टर रागिनी, विधवा पेंशन नहीं है, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, विधवा पेंशन का भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कह सकते हैं कि विधवा पेंशन का अमाउंट नहीं बढ़ा है, विधवा पेंशन का अमाउंट बढ़ा है, अभी इतना भी लंबा टाइम नहीं हुआ है, क्यों 4 गुना हो जाएगा? लेकिन महंगाई का जो दर है वो तो इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, हमारी जब नहीं है, को देखती है तो महंगाई उसको आसमान तो महिलाओं पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर सिलेंडर के दाम को देखती है तो उसे आसमान दिखाई देता है, सिलेंडर फ्री देने का काम भी। लेकिन ठीक है, आपकी बात समझिए डॉक्टर मीनाक्षी, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आंकड़े डराने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बच्चों के कुपोषण के आंकड़े डराने वाले हैं,
है। नहीं, आज की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अगर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश भी खराब स्थिति में ही। इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है योगी सरकार में महिलाओं की जितनी सुरक्षित महिला अपने आप को फील करती है पहले कभी नहीं किया। वो एनसीआर कहने के लिए ये कहें, गांव की महिला पहले नहीं निकलती थी 6 बजे के बाद, आज आप 8 बजे 10 बजे भी जो यहाँ लोग बैठे हैं, एनसीआरपी के आंकड़े तो आपके डिपार्टमेंट में देखे होंगे, आपके सरकार की इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। और आप घरेलू हिंसा की बात करें तो उसमें भी पहले से बहुत सुधार है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके संज्ञान लिया जाता है, संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई होना जरूरी है। अगर कोई भी मामला होता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होना बड़ी बात है। अपराध अब मेरे घर में मेरे साथ कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं, पर कार्रवाई ना हो उसके लिए जरूर जिम्मेदार, और कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, घर काम होता है, जागरूकता फैलाई जा रही है। और क्या चाहती है रागनी जी? एक कार्यकर्ता घर घर खड़ा है भाई, रागनी जी एक कार्यकर्ता आपको दिखाएगा जनता पार्टी कि आज सिर्फ आबादी ने वोट बैंक की तरह यूज हो रही है। योगी जी और अगर आप फैक्चुअल्स पे जाएं तो आज भी चाहे वो आप जिस तरीके से बात कर रही हैं कि ये पुलिस केसेस जो दर्ज हो रहे हैं, कर लीजिए महिला 79 के ऊपर अलग बात है, उस पर हमारी चर्चा है नहीं डॉक्टर मीनाक्षी। लेकिन डॉक्टर रागनी एक बात बताइए, जब वो महिलाओं का समर्थन होगा इसीलिए लेकर वोटिंग आधी आबादी आधी आबादी ने रिजल्ट पर बहुत बड़ा असर डाला है। वो जो हम कहते हैं ना छुपे हुए वोट्स कहते हैं जिन्होंने नहीं बताया, वो तो आधी आबादी ले लीजिए, किसी ने सोचा नहीं था। ये आधी आबादी है, अगर ये किसी पे भरोसा कर लेती है तो वो उस पे भरोसे पे वो प्रखर भी होती है और निभाती भी है। लेकिन अगर किसी ने भरोसा भरोसा चला रहा है लेकिन भरोसा एक टर्म दो टर्म तीन टर्म हो तब तो सोचने वाली बात है। देखिए मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगी कि सिर्फ प्रचार प्रसार करने से महिला सशक्त नहीं होंगी। आपको महिला इतनी बुद्धिमान होती है, आपको सशक्त करना है मात्र प्रचार प्रसार करने से बहलाए में नहीं आती है। इतनी बुद्धिमान महिला होती है, आज वो धरातल पे काम नहीं होता तो बहकाए में नहीं बात करते हैं। आज जिसके पास जो महिला एक झोपड़ी में रह रही है उसके पास ना तो राशन कार्ड है, ना राशन कार्ड है, महिला के नाम से बना हुआ है, भारत का कार्ड है। और ये मेरे सामने आए दिन इस तरीके के मैटर्स आते हैं। देखिए तो आप जो एक दो मैटर हैं ऑन जो ग्राउंड है वो बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है, और वो बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रत्यक्ष अगर देखेंगे तो कोई उसके मकान जितने खुशी है कि कम से कम हम महिलाओं की स्थिति पर आज इस मंच पर बैठ करके अपनी अपनी बातें इतनी मजबूती से रख रहे हैं। देखिए महिलाएं बहुत विपत्ति भी रहती हैं और साथ ही साथ विरोध भी झेलती हैं, और ये आपको पता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दी पार्टी। कई मोर्चों पर एक साथ महिलाएं आगे बढ़ती हैं। अच्छी स्थिति में जिस तरीके से घर मोदी सरकार में योगी सरकार में दिए गए हैं महिलाओं को, मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाया पहले या आगे भी किसी का नंबर आएगा। क्योंकि वैसे तो अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय चलने वाली है और जो कहीं एक दो कमियां रह गई हैं, हमारी चर्चा इस बात पर है कि चाहे फिर वो किसी पार्टी किसी वर्ग की महिला हो, हर महिला सशक्त हो, हर महिला मुखर हो, हर महिला शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ताकि वो अपने साथ साथ पूरे समाज और पूरे परिवार को भी रखे स्वस्थ और संबल उनका बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से आप दोनों ने अपनी बातों को सामने रखा।